हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ श्वेता और वेलकम है आप लोगों का यूट्यूब चैनल श्वेता क्रिएटिव गार्डन में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं अपना गार्डन में कौन कौन से गुड़हल के कलर वैरायटी है वही आप लोगों को दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को जितने भी गुड़हल के फ्लावर प्लांट दिखाऊंगी सभी हाइब्रिड वैरायटी की ही दिखाऊंगी कि कौन कौन से हाइब्रिड वैरायटी के कलर और वैरायटी मेरे पास हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए ये रेड कलर का कितना प्यारा कलर है इसका, देखिए और कितने बड़े साइज में ये फ्लावरिंग करती है। तो देखिए इसमें आज मेरे दो फ्लावर खिले हैं और बहुत सारे इसमें कलियाँ भी बनी हैं। तो गुड़हल के प्लांट सबसे अच्छे होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि साल भर इसमें फ्लावरिंग होती है और हाइब्रिड गुड़हल का जो प्लांट होता है उसमें आपका साल भर फ्लावरिंग करते हैं। और ये देखिए क्रीम कलर का एक है, तो मैं सभी को आपको दिखाती हूँ एक एक करके। और ये देखिए ये ऑरेंज कलर का, देखिए इसका भी फ्लावर काफ़ी बड़े साइज में आते हैं देखिए, और ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो गुड़हल का प्लांट आपको 80 से 100 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगी। और जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं मुझे तो सबसे अच्छे गुड़हल लगते हैं क्योंकि इसमें साल भर फ्लावरिंग होते रहते हैं। उसके बाद देखिए ये रेड कलर का, ये भी हाइब्रिड वैरायटी की है, तो इसके फ्लावर थोड़ा छोटे साइज में आते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें भी फ्लावरिंग होती है। उसके बाद देखिए ये पिंक कलर का, ये तो मेरा सबसे प्यारा गुड़हल का पौधा है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें ऐसा कोई दिन नहीं कि इसमें फ्लावरिंग नहीं करती है, और वो भी 4-5-6 करके डेली फ्लावरिंग होती है इसमें। तो आज देखिए कितने सारे इसमें फ्लावर खिले और देखिए कितने बड़े साइज के, और सभी ब्रांच में देखिए फ्लावरिंग हुई है और सभी में कलियां भी बनी हैं और इतने ज़्यादा इसमें फ्लावर करती है कि देखिए इसकी पत्तियां भी थोड़ी पीली हो रही, क्योंकि इतने ज़्यादा फ्लावरिंग होने के बाद थोड़ा पत्तियां इसकी पीली हो जाती है। और देखिए इसका पॉट का साइज आप देख सकते हैं 16 से 18 इंच के बीच में है, तो इसको आप पॉट को मैं चेंज करती हूँ उसके बाद से इसमें और अच्छे से फ्लावरिंग करती हूँ। देखिए कितने बड़े साइज के हैं। उसके बाद देखिए ये येलो कलर का, ये भी देखिए हाइब्रिड वैरायटी के, और देखिए इसके भी फ्लावर देखिए काफ़ी बड़े साइज में है और इसका भी कलर देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करती है, तो ये भी बहुत अच्छा वैरायटी का है, क्योंकि मैं जब से इसको नर्सरी से ला के लगाई हूँ तभी से, उस समय तो फ्लावरिंग नहीं कर रही थी, जब मैं लाई थी एक फ्लावर खिली हुई थी और इसका पौधा उस समय काफ़ी छोटा था। उसके बाद जब मैं रिपोर्ट कर दी हूँ उसके बाद 15-20 दिन के बाद शायद फ्लावरिंग करना इसमें स्टार्ट हुई है, और तब से इसमें फ्लावरिंग हमेशा करते रहती है। और ये वैरायटी अगर आपको कहीं मिल जाती है तो आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि इसमें हमेशा फ्लावरिंग करती है। और अगर आपको अपना गुड़हल का प्लांट बुशी बनाना है तो आप क्या कीजिएगा, ऊपर की टिप को पिंच कर दीजिएगा, तब साइड ब्रांच आएगी और बहुत अच्छे फ्लावरिंग करेंगी, क्योंकि जितने ज़्यादा ब्रांच रहेंगे उतने ज़्यादा फ्लावर आएंगे। और गुड़हल के प्लांट के लिए अगर आप किचन वेस्ट कंपोस्ट देते हैं तब तो और बहुत अच्छा बात है, क्योंकि किचन वेस्ट कंपोस्ट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है गुड़हल के प्लांट को और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करती है। और देखिए कितने बड़े बड़े साइज में इसमें फ्लावर खिले हैं। तो गुड़हल के प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिएगा। और गुड़हल के तो बहुत सारे कलर वेराइटी आते हैं, और देखिए इसकी जो डंटियाँ हैं थोड़ा लंबी लंबी आती है, उसके बाद इसका फ्लावर खिलते हैं। देखिए कितने ज़्यादा इसमें कलियाँ भी बनी हुई है, आप देख सकते हैं, देखिए जितने भी ब्रांच लेंगे सभी में आपको इसमें कलियाँ दिखेंगी। तो मेरे जितने भी गुड़हल के प्लांट हैं सभी में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, देखिए कोई ब्रांच ऐसा नहीं है जिसमें फ्लावर नहीं खिला हुआ है और ना कलियाँ नहीं बनी हुई है। और इसका पॉट का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं है, 12 इंच का पॉट है। तो जितने भी फ्लावर खिल के ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद ये इसके ऊपर वाले टिप को मैं थोड़ी थोड़ी पिंच कर दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लंबी जा रही है इसका पौधे, तो ज़्यादा बड़े प्लांट मुझे नहीं पसंद है, इसलिए मैं जब भी पौधे बड़े हो जाते हैं तो ऊपर के जो मेन ब्रांच है उसको मैं थोड़ा सा कट कर देती हूँ, तो साइड ब्रांच और निकलती है और प्लांट भी काफ़ी बुशी हो जाता है, तो देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो ज़्यादा लंबी लंबी जो टहनियाँ होती है वो देखने में उतना अच्छा नहीं लगती जितने छोटे प्लांट रहते हैं और चारों तरफ इसके ब्रांच निकल के
आते हैं उसमें ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। उसके बाद देखिए ये पिंक है और साइड में देखिए उसका हल्का लाइट पिंक है, बड़ी खूबसूरत लगता है ये भी फ्लावर। और इसके फ्लावर बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, उससे थोड़ा छोटे हैं, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करती है। देखिए आपको दिख रहे होंगे, देखिए कितने ज़्यादा फ्लावर खिले हुए हैं। तो इसमें भी 4-5 फ्लावर डेली खिले रहते हैं। तो जब भी फ्लावरिंग होते रहती है उसके बाद 15-20 दिन में एक बार मैं इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र दे देती हूँ, गोबर की खाद या फिर मैं किचन वेस्ट कंपोस्ट देती हूँ, तो उससे बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है मेरे प्लांट में। और ये वाले गुड़हल भी काफ़ी प्यारे लगते हैं, लेकिन पता नहीं इसके प्लांट थोड़े से ख़राब क्यों हो गए हैं, तो मैं इसको ट्रीटमेंट करूँगी, ठीक हो जाएगी। और ये देखिए ये भी फ्लावर पंचमुखी है। और उसके बाद ये देखिए इसका भी कलर देखिए और डिज़ाइन देखिए, काफ़ी खूबसूरत लगता है ये भी। और ये भी काफ़ी बड़े साइज में आते हैं। तो देखिए सभी मेरे हाइब्रिड वेराइटी के हैं। इसमें भी देखिए कलियाँ बनी है, इसमें पता नहीं चींटियों ने मिट्टी जमा कर दी कली के ऊपर, तो कोई इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर देती हूँ तो उससे चींटियाँ भी हट जाती है। उसके बाद देखिए फ्रेंड ये भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है, लेकिन इसके फ्लावर थोड़े छोटे छोटे साइज के आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। मैं इसमें थोड़ा कुछ फर्टिलाइजर दे दूँगी, लेकिन अभी दी नहीं हूँ क्योंकि इतने सारे काम रहते हैं, टाइम ही नहीं मिल पाते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड ये पिंक कलर का, इसमें देखिए कितने सारी कलियाँ बनी हैं। ये फ्लावर काफ़ी खूबसूरत है, इसमें एकदम छोटे प्लांट हैं लेकिन कितने ढेर सारी कलियाँ बनी है देखिए। तो फ्रेंड्स यही मेरे कुछ कलेक्शन थे। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बाय फ्रेंड, हैप्पी गार्डनिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।